नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। छिंदवाड़ा के काशीनगर नोनिया करबल में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आज कथा के 7वें दिन श्रीकृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का बखान किया। सर्वप्रथम भागवत कथा की आरती से प्रारंभ होकर काशीनगर सेवा समिति वार्ड क्रमांक 47 नोनिया करबल छिंदवाड़ा के सदस्यों द्वारा मीडिया प्रभारी एडवोकेट देवेंद्र वर्मा, आयोजक दीपक गोलू डेहरिया, मैनेजमेंट प्रभारी मुकुल दुबे, अक्षय की टीम ने महाराज जी को मुकुट पहनाकर स्वागत वंदन अभिनंदन किया। तत्पश्चात ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे और उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, अंकुर शुक्ला, जागेन्द्र अल्डक और उनके साथी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक बंदेवार, उनकी टीम और परिजनों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। आज कथा में श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। महाराज के सानिध्य में सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संस्कार सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचा। आरती के पश्चात महाराज की विदाई ढोल बाजे से गाजे बाजे के साथ की गई और सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण कराया गया। जितने घंटे, जितने महीने, जितने साल आपकी इस कथा मंडप में घुसने से पहले थी, उतनी ही लेके कथा मंडप से बाहर जाओगे। मतलब यहां जो 3 घंटे आप बैठे हो, एक्स्ट्रा टाइम है आपकी लाइफ का। इसलिए मनुष्य को हर दिन भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। जो भगवान की कथा हर दिन सुनते रहते हैं वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। आप सोचो ना, 21 दिन में 21 घंटे तो आपने वैसे ही बढ़ा लिए अपने लाइफ पे। सिर्फ 7 दिन आप 3-3 घंटे कथा ही सुनने जाओ तो 21 घंटे तो आपके वैसे ही बढ़ गए। और जब कृष्ण और रुक्मिणी विवाह हो तो और 1-2 घंटा 4 घंटा बढ़ जाता है। तो एक कथा 25 घंटे की लाइफ बढ़ा देती है। आप सबसे मेरा निवेदन है, जिन लोगों को प्रेम हो ठाकुर से, उन सभी महानुभावों को भगवान की कथा का प्रेम से श्रवण करना चाहिए। Thank you.
खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।